हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ नवीन्स ब्लॉग। कैसे आप सभी को ही, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज 31st है, हम लोग ट्रैफिक खुल गया आज 31st है और हम लोग जा रहे हैं। आज तो हम लोग का ग्रुप कोई है नहीं, मैं जा रहा हूँ, दीदी जा रही है और निवी जा रही है पीछे। हम तीनों ही जा रहे हैं, कुछ अच्छा थोड़ा घूमेंगे, कुछ अच्छा खाएंगे, देन आएंगे। और अपन का जो गैंग है, जो आशीष, आभा, अविनाश, वो लोग सब मिसिंग है, तो सोचे चलो अभी हम तीनों ही है यहाँ पर, देन हम तीनों ही थोड़ा घूम घाम के आते हैं। तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं अभी कहाँ जाना है अपन को। तो मेरे एक फ्रेंड है रंजू, उसने सजेस्ट किया है एक रेस्टोरों की है एक रेस्टोरों, तो लेट्स सी। वो हम लोगों के लिए भी नए हैं दी पार्क, देखते हैं कैसा है। तब तक थोड़ा रॉयल किला का लाइटिंग का मजा लीजिए। दिस इज राइजी पार्क, यू कैन सी, इसमें भी अब लाइटिंग वगैरह हो गया। अंदर क्या है क्या नहीं है तो पता नहीं, लेकिन अभी बाहर से बहुत अच्छे से इसको लाइटिंग कर दिया है। एंड ये रोड में आप देख रहे हो कितना अच्छे से लाइटिंग वगैरह क्या है। दिस इज ऑल अबाउट प्री रिक्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप 23, दैट इज हॉकी वर्ल्ड कप जो यहाँ पर होने वाला है। एंड उसके लिए सब इतना सजाया गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग भी अपने सिटी को इतना अच्छा देखे नहीं था जितना अच्छा अभी देख रहे हैं। सो ये है अपन का राउरकेला का एयरपोर्ट, अभी ये स्टार्ट हो गया। बट इसका जो ऑपरेशन, लाइक इसका जो फ्लाइट ऑपरेट कब से स्टार्ट होने वाला, 7 जनवरी था। हाँ, 7 जनवरी से इसका जो फ्लाइट का जो ऑपरेट स्टार्ट है, जो कमर्शियल फ्लाइट का, वो 7 जनवरी से होगा। डे बिफोर यस्टरडे इसका टेस्टिंग चला था एंड इट वॉज सक्सेसफुल। सो फ्रॉम 7th of January जो जितना भी आपका, जितना भी नहीं, कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट होगा एंड स्टार्टिंग फ्रॉम राउरकेला टू भुवनेश्वर। एंड प्राइस एंड फेयर का तो इतना आइडिया नहीं है कितना होगा, लेट्स सी जब ये स्टार्ट होगा। होपफुली कोलकाता के लिए भी स्टार्ट हो जाए तो अपन लोगों के लिए थोड़ा सा इजी होगा आने के लिए। झारसुगुड़ा आना नहीं पड़ेगा, देन वहाँ से इतना आना पड़ता था, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड या इट्स नाइस, अपना देश बदल रहा था, अभी अपना शहर भी बदल रहा है। याद इज़ द एयरपोर्ट, ठीक है, फिगर इट, एंड दैट इज़ आई थिंक द फ्लाईओवर काइंड ऑफ थिंग, देयर इज समथिंग मेकिंग, नॉट फ्लाईओवर, आई डोंट नो व्हाट दे आर मेकिंग। देन इधर शायद उनका रहने का है ना, कहाँ पर रहने का है, इस बाजू वर्ल्ड कप होगा प्लेयर्स का, ये से उनका रहने का है। आई थिंक मैच भी इधर ही होगा, स्टेडियम एक कुछ मैच यहाँ भी होगा ना, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, स्टेडियम तो उधर है एक बड़ा मतलब, बट आई थिंक वो लोग यहाँ पर ही रहने वाले हैं। ये जो घर सब बना, ये क्या अभी भी बना है? यस, आई थिंक वो उनका जो प्लेयर्स का रहने। एंड दिस इज, ये है एक जो मैं अपना प्रीवियस ब्लॉग में दिखाया था, हम लोग जो नाइट आउट में निकले थे वहाँ पर। एंड दिस इज काफ़ी जाम हो जा रही है गाड़ी, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं घूमने के लिए। आई थिंक मुझे वहाँ पर पार्क करना पड़ेगा, उनके पीछे लगा लेता हूँ या फिर आगे जाके, नहीं आगे जाके टर्न करके लेके आ जाओ, आगे जाके टर्न कर ले आएंगे क्या। ये लोग पार्क किए हैं बहुत ही ज़्यादा रोड के ऊपर ले आए हैं, कर सकते हो यार, यू कैन गो, बहुत बड़ा स्टैचू है यार। तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर रुके ना, नहीं इधर फोर व्हीलर नहीं रख सकते, यहाँ पर अभी हम लोग का पार्किंग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ पर रास्ता कौन सा है इनको पूछना पड़ेगा पुलिस भैया लोग को। ब्यूटीफुल प्लेस बट अभी काफी क्राउड है और हम लोग क्राउड इतना पसंद नहीं है। उधर ही है, उधर ही है, वही वाला रास्ता, वही वाला रास्ता। ये पहले बहुत साल पहले से एयरपोर्ट था बट यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था। आप छोटा छोटा हेलीकॉप्टर क्या करेंगी, हाय हाय, बहुत दिनों के बाद हाँ मिले हैं। सो हम लोग आ गए वापस, लाइक इतना क्राउड था ना, हम लोग वहाँ पर उतरे नहीं कि हम लोग को थोड़ा कम क्राउडेड जगह पसंद है। और ये जो काम हो रहा है ना, लाइक उन लोगों के लिए कितना मतलब
कितना जल्द स्पीड काम, लाइक मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सॉरी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो भी कंट्री या फिर जो भी स्टेट का भी वर्ल्ड कप होस्ट करता है तो कितना उनको काम करना पड़ता है, हम लोग ये देख के जान रहे, क्योंकि ये सारा काम लाइक ऑलमोस्ट 3-4 साल से ही चल रहा है, दिन और रात चल रहा है, तब जाके अभी इतना बना है. तो इट्स रियली हैट्स ऑफ जो कंट्री और जो स्टेट होस्ट करता है वर्ल्ड कप किसी भी गेम का हो. लाइक फ्रॉम द बिग स्टेडियम बनाने से लेके पूरा शहर को चेंज करना, इट्स नॉट ए वेरी स्मॉल थिंग एंड इट्स नॉट ए जोक जो यहाँ पर बना है. तो चलिए मिलते रहते आगे और क्लिप्स में, आप मजा लेते रहिए ड्राइव का हम लोग के साथ. इधर है एक जन जो बात करने में बिजी है. यस सी यू वेरी सून. कहा वेरी सून. सो मिल लो इन लोग से, प्लीज नहीं भी मिले नहीं थे गाड़ी में. तो लग रही है शिमला में है, इतना क्या जरूर, ठंड भी इतना नहीं है. माय सिस्टर इसमें मिल चुके थे और क्या. और देखो फाइनली हम लोगों को बहुत मुश्किल से मिल गया सीट अपन को, बहुत ज़्यादा क्राउड है बट एनीवेज मिल गया, सही अच्छी बात है. सो फाइनली वी आर बैक, हम लोगों का हो गया, देखो स्टार्ट हो गया देर वीडियो, ठीक है. तो हम लोगों का हो गया अच्छा खासा घूमना हो गया, खाना भी अच्छा हो गया, बट आज का दिन इतना इतना क्राउडेड था, हम लोग लगा कि हम लोग शादी का खाना खाने गए और 10 मिनट में खा के बस निकल गए. और रिगार्डिंग द रेस्टोरेंट पार्क जो हम लोग गए थे, रेस्टोरेंट नाम क्या था, द पार्क ना, हाँ द पार्क, जो कि सेक्टर 1 में है, NIT के पास है. ठीक था रेस्टोरेंट बट कुछ कुछ उनको इम्प्रूवमेंट करना है. पहले तो लाइक जिस जगह में हम लोग को मिला था वो जगह बहुत स्मोकी था, लाइक स्मोक इन द सेंस कि किचन से उनका जो स्मोक निकल रहा था और वहीं पर उनका बैठने का सीट है जो आँख बहुत जल रहा था, सो दैट इज़ वेरी बिग डिमेरिट्स वहाँ पर. और सेकंड क्या था, प्लेट्स राइट, वो लोग इतना बड़ा रेस्टोरेंट बट स्टिल वो लोग प्लास्टिक प्लेट में सर्व कर रहे थे, एंड ओवरऑल खाना का क्वालिटी अच्छा था, बट ये दोनों चीज़ उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा कि लोगों को बैठाना कहाँ पर है और किस चीज़ में खाना देना है. ओवरऑल इट वॉज गुड, आप लोग विजिट कर सकते हो एंड या इट्स फाइन. और सो अभी हम लोग शायद वेलकम करेंगे 2023 में, मान लोगे उस रूम में हम लोग यहाँ पर अभी बैठे हैं इसे आके. सो फिर मिलते हैं कुछ नए कहानी के साथ, नए किरदार के साथ. पुराने साल का आपका जो भी हुआ जैसे भी गया ये चला गया, नए साल आने वाले है, आने वाला है और कुछ घंटे में आप लोगों का नया साल बहुत अच्छी तरह से बीते, बहुत सारे शुभकामनाएं, आपका बहुत सारा तरक्की हो इस साल में. सो दैट्स इट, बाय एंड गुड नाइट, बाय, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर.